गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। दिल्ली से लेकर हर जगह, हर संसदीय क्षेत्र में तैयारी पूरी तरह से होती है। आइए जानते हैं पीलीभीत के विधायक, राजनेताओं, विपक्षी दल के नेताओं आखिर कितना जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस जो है स्वतंत्रता आजादी के लिए मनाया जाता है। भारतवर्ष जब अंग्रेजों के गुलाम था तो इसमें बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गईं। उन लड़ाइयों को लड़ने के बाद में जब पूर्ण आजादी मिली तब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में ये अपना 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं। और ये पर्व जो है हम लोगों का 17वां पर्व है, 70 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। इस वजह से हम सब लोग गणतंत्र दिवस को खुशी के रूप में मनाते हैं कि हम कहीं गुलामी में जकड़े हुए थे, उन गुलामी की जंजीरों से एक कहना चाहिए हम स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं गणतंत्र दिवस। जी, ये कौन सी वर्षगांठ है लोकतंत्र की, गणतंत्र दिवस की? 70वीं। कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैंने संदेश दिया, मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। हमारी पार्टी तो शुरू से प्रत्येक कार्यकर्ता को यह मूल मंत्र देती है, पहले देश, फिर पार्टी, फिर खुद। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ये पावन दिन, ये पवित्र दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जो 26 तारीख है। और 69 साल हम लोगों को हो चुके, 70वें साल ये 70वां हम लोग मनाएंगे। गणतंत्र 70वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। वर्षगांठ 69वीं होगी और 70वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन 26 जनवरी 1950 का हमारा अपना संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार। मंत्री जी, गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है और इसकी कौन सी वर्षगांठ है ये गणतंत्र दिवस की? क्या कह रहे हैं? गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है और ये वर्षगांठ कौन सी है? गणराज्य इस देश के लिए, गणराज्य जो हमारा संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, इसीलिए हमने इसको बनाता है। हमने इनको कहना चाहता है गणतंत्र दिन के जो आजादी के टाइम में जो महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद जी सब लोग ने जो किया था, तो ये कौन सी वर्षगांठ है? ये कौन सी एनिवर्सरी है इसकी? 70।